असां नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। पीपल्स पार्टी का कारवाए भुट्टो मार्च बिलावल साहब ने शुरू कर दिया है। कॾहिं बि शहीद भुट्टे कंधु न झुकायो आहे, न कॾहिं जेको आहे को यूटर्न वरितो आहे। ऐं उन सां गॾु पीपल्स पार्टी जो मार्च जो मक़सदु छा आहे, इहो थो चयो वञे। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इहे दुनिया का पहला मार्च होगा जो अपने अबू को बचाने चला है, अपने करप्शन को बचाने चला है। इसी वजह से मार्च करण हर सियासी जमात जो हक है, बिलावल साहब जो भी हक है। मोबिलाइज करे तो मानुन के करप्शन के खिलाफ ए केसेस पीपल्स पार्टी के टारगेट के उतने दीवार से लगाया तो वने। उन सा गड अज 6 हफ्तों की जमानत मंजूर हुई है मियां नवाज शरीफ के। सियासी एक जीत है नून लीग जी त 6 हफ्तन जी उनकी जमानत होंगी। उन सा गड अवामी सितह जो अवाम के अंदर जेको एकड़ो एक्टिव थियण खपे गवर्नमेंट के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। अभी तक वो माहौल साजगार नहीं है, बना नहीं है। इनते गाले पंजस्ती मुदावरनिया साइमा नदीम साहबा पीटीआई की एमएन है, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ आशा वारसी साहबा पीपी रहनुमा है, वोकल है बड़ी, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। मार्च शुरू हुआ है और आपकी कयादत तनकीद कर रही है कि ये करप्शन बचाओ मार्च है। तनकीद तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो आज उन्होंने बल्कि जो तकरीर स्टार्ट की है बल्कि बिलावल साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि आईके की चीखें निकल जाएंगी। तो चीखें तो मेरे ख्याल में कहीं से भी नहीं निकल रही हैं, बल्कि मुझे हैरत ये हो रही थी कि उन्होंने जो एक बात अपनी की कि भुट्टो ने 40 साल पहले तख्तेदार पर आमिर के आगे सर लटकाया लेकिन सर नहीं झुकाया। तो मुझे इस बात पे थोड़ी सी ये भी हुई कि थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर आप आवाम के सामने थोड़ा सा बता दें कि वो जो थे वो जब मिनिस्टर बने थे और जब वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो किसकी हुकूमत में थे। लेकिन मैडम वो छोड़ के आ गए थे, मिनिस्टर बने थे। मैं आपका हिस्ट्री आपको मैं बेहतर करूं, उसके बाद ताशकंद मुआहदा हुआ था, उसके ऊपर नाराज होकर गवर्नमेंट को जनरल अयूब को छोड़ के आए थे। एक्सेप्टेंस तो ली थी ना, तो जब एक्सेप्टेंस की थी एक आमिर के लिए के साथ, तो इसका मतलब है कि वो इस वक्त मतलब उस आमिर के ज़ियालत से माफी नहीं मांगी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो एक आमिर दूसरा था, ये तीसरा, मतलब ये तो जिसको जुडिशियल मर्डर कहा जाता है आज भी तारीख में, गलत हुआ जो भी हुआ। मैं समझती हूँ कि उनका देखें इस वक्त घेराव तंग हो रहा है, और इस वक्त जो बात फवाद चौधरी ने बोली है कि माल बचाओ और बाप बचाओ मुहिम, तो मेरे ख्याल में ये वही मुहिम है। और इसकी जो ये इस वक्त लेके चल रहे हैं इसमें मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल डेस्परेशन भी दिखाई देती है। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि फवाद चौधरी जो है ना बिकाऊ माल है। नहीं देखिए, बिकाऊ माल हो या जो भी हो, इस वक्त जिसकी बात हो रही है वो इस वक्त जिस पॉइंट आपको कैसे पता कि घेराव तंग हो रहा है पीपल्स पार्टी की कयादत का। अभी देखें, अभी तो उन्होंने ये जो पॉइंट अभी लिया 4 अप्रैल का, ये उसके ऊपर अभी ये कुछ चंद लोगों को लेके चले हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब वो आगे जाएंगे तो उनका कहाँ तक उनके साथ लोग देने वाले होंगे, क्योंकि देखें उनके जो पॉइंट्स हैं अब उनके मैसेजेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो किस मैसेज को वहाँ पे जो हैं वो सिन में देने जा रहे हैं। क्या वो ये मैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस क्या है? ठीक है, अब पहला मैसेज अगर वो अपने बाप को लेके जा रहे हैं तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि बाप बचाओ वाली मुहिम में है, माल बचाओ वाली मुहिम में है, करप्शन को जो है वो इस वक्त क्योंकि उनका घेराव इतना तंग हो चुका है इस वजह से वो इस मैसेज उनका सिर्फ जब क्लियर हो सकता है जब वो ये बोलें कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। कहते थे पीपल्स पार्टी में जान न रही। आपको पता है बिलावल साहब जब नेब के सामने आए तो कारकुनों को देखा आपने, एक जोश भी था, वलवला भी था, सब कुछ था, आपको नजर आ गया। देखिए जोश और वलवला तो है वो पहले कहते थे लोग ही नहीं निकलेंगे। ज्यादा तो आप देखें खान साहब का है जो करिश्मा, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में खान का है, वो किसी का भी नहीं है। उसको डेंट पड़ा है करिश्मा को, अभी देखें पॉपुलैरिटी को, जो मैं बार बार 7 महीने की कारकर्दगी से जो मैं बार बार घेराव की बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि तफसीलात जो उनसे इस वक्त तलब की गई है वो जेआईटी ने थरपारकर मनियारी शिकारपुर उमरकोट के बारे में उनसे पूछा है, उनके ठेकेदारों की पूरी पूरी तफसीलात मांगी गई हैं, जाली अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट्स, फिर ये 10 साल जो पिछले तरक्याती अकाउंट्स
तो ये कहाँ से जवाब देंगे जब उनको पता है कि उसके अंदर उन्होंने फंसना ही फंसना है। तो आई एम श्योर ये जो इस वक्त मार्च है ये एक आई वॉश है और उसका आगे पता चल जाएगा। लेट्स सी, आशा वारसी साहब करेंगे आई वॉश है, अपनी करप्शन बचाने के लिए बाहर निकले हैं। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करती चलूँ, मीर, के ये जो कहा जा रहा है कि ये एक ट्रेन मार्च है और हुकूमत के ख़िलाफ़ ट्रेन मार्च है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। भुट्टो शहीद की बरसी पे साल हा साल से ये काफ़िला ये कारवां इसी तरीके से निकलता है, इतने ही ज़ोर शोर से निकलता है और उनकी बरसी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर किया जाए कि ये कोई कार, अगर ये मार्च है तो बकौल फवाद चौधरी के या ख़ान साहब के, जिनको बिलावल साहब को जो ये कहते थे कि वो बच्चा है, तो उस बच्चे की मार्च से ये लोग क्यों इतने बुखला गए, क्यों इतना डर गए हैं कि एक ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तहरीक के अंदर, पूरी तंजीम के अंदर और हुकूमत के अंदर जो है ना इतना हड़बड़ी मची हुई है कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो बयानात दे रहा है। पहले इस चीज़ को समझे तो सही कि होने जा क्या रहा है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखे घेरा तंग हो रहा है, ये घेरा उतंग सिर्फ आपके लोगों को हो रहा है, इनके लोगों का नहीं हो रहा। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है बहुत क्लियर कट है कि घेराव इस तरीके से तंग हो रहा है कि देखिए हुकूमत का काम लेजिस्लेशन करना होता है, हुकूमत का काम नैब को डिक्टेशन देना नहीं होता। अगर ये कहा जा रही है बात कि जी नैब को कोई डिक्टेशन नहीं दे रहा, तो मुझे एक बात बता दीजिए, खान साहब को, खान साहब के वुजरा को कैसे ये बात पता चल जाती है कि उसको सड़कों में घसीटेंगे, उसको जेल में देंगे। NRO इनसे कोई मांग नहीं रहा, अगर NRO पीपल्स पार्टी भी मांग लेती तो शायद पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी केसेस नहीं होते। यहाँ तो बारियाँ लगी हुई थी ना, जिस बारी का ये लोग नारा लगाते थे कि आज इसकी बारी और कल उसकी बारी, आज इनकी बारी है। अब ये जो जिस लोन के थ्रू जो जेबें भरने की कोशिश कर रहे हैं और तिजोरियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हुकूमत के या मुल्क के खजाने में नहीं आ रहे, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये घिराव जो तंग करने की बात करें, पीपल्स पार्टी ने हमेशा 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 जो है ना तमाम तर चीज़ों का सामना किया है, एहतसाब का सामना किया है, शहादतें भुगती हैं, हर चीज़ तरीके से कोड़े खाएं, जिलावतनियाँ सही हैं। कौन सी ऐसी आप पार्टी मुझे बता दीजिए पीपल्स पार्टी के अलावा जिसका ऐसा सियासी मंजरनामा हो कि बाप बेटी हर बंदा वहाँ पर शहीद हो गया? क्या ऐसा सियासी मंजरनामा, ऐसी कुर्बानियां किसी दूसरी पार्टी की हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने माजी में कई जेल देखे हैं, कई नेब्स हमने भुगती हैं, फेस किया है, नियाज़ी खान का भी जेल और ये धमकियां जो वो बार बार दे रहे हैं, हर जलसे में दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, असेंबली के अंदर नहीं दे रहे, लोगों के साथ बैठ के दे रहे हैं, सहाफियों से मिल के दे रहे हैं, आए असेंबली के अंदर मुकाबला करें हमारे साथ, बिलावल साहब करें। असेंबली में तो किसी ने मना नहीं किया। और दूसरा ये कि जो सियासी मंजरनामे की बात हो रही है, अब इस वक्त मैं पूछना चाहती हूँ कि अवाम को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त? हमें तो इस वक्त अवाम से देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त आप एक तरफ हमारा जो मुल्क है वो इतनी सियासी बुरहान से भी गुज़र रहा है, इस वक्त कशीदगी है हमारे उसमें बिलावल साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं जहाज़ों के बारे में, कल अदम देखें, ये चीज़ें जो है ना इस वक्त करने की नहीं है। दूसरी बात, अपोजिशन ने आपको सपोर्ट किया असेंबली के अंदर, आपके साथ थे हमारे साथ में। लेकिन इस वक्त तो उनकी अपनी पार्टी में भी लोग कह रहे हैं, अगर इमरान खान साहब को, मैडम इमरान खान साहब को इतना ही पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीरियस है, तो वो तो अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको अवामी मुफादात, मुल्की मुफादात हैं, तो आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड करें, क्यों नहीं करते? भाई हमने तो उनको कहा कि आप नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आके बैठें, डायलॉग करें उसके ऊपर, एक पेज के ऊपर आए। जब डायलॉग के जरिए तो उन्होंने असेंबली में तो बोला कि हम होंगे, लेकिन जब उनको बुलाया जाता है तो वो आने को तैयार नहीं है। जब आएंगे तो सीरियसनेस गवर्नमेंट की नहीं है, तो किसी और का एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो जब सीरियस नहीं अगर होती तो वो उनको क्यों कहती कि आप हमारे साथ आके बैठे हो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर? प्लानिंग में अब अपने जो है उसमें इजहार करें, अपने पॉइंट्स को उसमें ऐड करें, वो तो उनको चाहते हैं। क्या आप एक तरफ जो है जरदारी साहब जो हैं वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, इस वक्त जो MMA की लीडर मिलियन मार्च
के लिए जा रहे हैं, उनके देखे ना प्रायोरिटीज क्या है इस वक्त, उनका तो हक है ना, किसी भी अपोजिशन के साथ मिल सकते हैं। इस टाइम पे जिस वक्त पाकिस्तान जिस चीज से गुजर रहा है, जहां उसको इस वक्त जरूरत है कि ये अनरेस्ट ना फैलाया जाए, वो क्यों इस किस्म की चीजों के ऊपर मजीद जो है वो चाह रहे हैं। छाछरों के अंदर जब स्पीच करते हैं खान साहब, उस टाइम तो उनको इंडिया की मोदी की बात करनी चाहिए, वहां भी बिलावल के ऊपर तनकीद करते हैं। और आपके बुजरा देखें, ये माजी में हो चुका है कि आप किसी को मुहब्बे वतन कहें, किसी को गद्दार दें, सर्टिफिकेट दें। ये भुट्टो साहब के ऊपर, बेनज़ीर साहिबा के ऊपर भी ऐसी फतवाएं कुफर की, गद्दारी की हो चुकी हैं। ऐसी सियासत खुदारा ना करें, मुल्क के अंदर एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगी। मैडम ब्रेक के बाद आता हूँ, टाइम था ब्रेक खा पो साइमान अदीम साहब। Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. वेलकम बैक। हाँ, आप जो है ना सबको गद्दार कहते हैं, किसी को मुहब्बे वतन, आपके पास जो है सब मुहब्बे वतन है, ऐसी सियासत क्यों कर रहे हैं जो माजी में सियासत हो चुकी, जिसका इस मुल्क के अवाम जो मसाइल ज़दा हैं उसको आप दलदल से निकालें मसाइल की। देखिए मसाइल का तो हमने तो मुझे तो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। आप सिर्फ आपको यही है कि जरदारी कब जेल में जाएंगे, नहीं मौलाना फजल रहमान कब जेल में जाएंगे। हमारा जो मेन वो था, ये नैप के केसेस को हटा के देखिए, हमारा नैप से कोई ताल्लुक नहीं है। बार 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 आप तर्जुमान बने हुए हैं। नहीं, हम तर्जुमान हम बिल्कुल भी नहीं। नैप के केसेस तो ये पहले से शुरू हुए थे, इन्हीं की गवर्नमेंट से स्टार्ट हुए थे, पीएमएलएन की गवर्नमेंट से स्टार्ट हुए थे। नैप का पहले भी, सीओडी का जो मैंने आपको बताया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इनके 36 पॉइंट्स थे जिसके अंदर इन्होंने नैप को ख़त्म करने की बात की थी बल्कि। और वो जब वो 2013 में आए पीएमएलएन, तो बल्कि 2018 में ये बात रिपीट की बिलावल तो ने, बिलावल भुट्टो ने, आपको ये भी बात की नैप को, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर सारे पॉइंट्स जो है वो पीएमएलएन जो है वो भूल गई। यानी कि उन्होंने जो उनके साथ मुहैदे किए थे, जो वादे किए थे, वो सारे के सारे वादे ख़त्म हो गए। तो इनके तो ये दो पार्टियां जो हैं ये आपस में कभी साथ हुई ही नहीं। काफली को आप क्या कहते थे, एमक्यूएम को आप क्या कहते थे, आज उनके साथ बैठे हैं। देखिए एमक्यूएम को तो देखिए अपोजिशन करना आसान होता है, हुकूमत करना मुश्किल होता है। इस वक्त हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस वक्त कराची को इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे में नजर आना शुरू होगा। आपके साथ हैं तो अच्छे हो गए, पहले पीपल्स पार्टी के साथ तो बुरे थे। नहीं, ये हमने फिर कराची को तबाह कर रहे थे। हमने जो चीजें, हमने दहशतगर्दी के ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट उठाया था, पॉइंट हमने अपने साथ कोई ऐसे लोगों को नहीं लिया। खान ने हमेशा ये कहा है कि जो वतन के लिए काम करने करेगा वो मेरे साथ चलेगा, और जो सीरियसली जो अच्छे उससे आएगा ऑनेस्टी के साथ, यानी कि नवाज शरीफ की टीम, जरदारी साहब की टीम, परवेज मुशरफ की टीम जो आपके साथ है वो बेहतर है। इनके साथ थे तो वो चोर थे, वो सही नहीं थे, वो करप्ट थे। आपके पास आया तो बनीगाला से आपने उनको धो दिया कि आज से ये जो है ना ऑनेस्ट है। मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना चाहूँगी पीएमएलएन गवर्नमेंट के हवाले से। आज पिछले दिनों उनके अगर आप उठा के पिछले वज़रा की जो स्टेटमेंट्स देख लें, जिसमें एहसन इकबाल हैं, साद रफ़ीक हैं, उसमें परवेज़ रशीद हैं, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि परवेज़ साहब के लिए, मुशरफ के लिए आप इससे भी मुआयना कर सकते हैं कि वो अपने लिए कुछ और हैं, और अब जो वही सेम उनके ऊपर आ गया है तो अब उनकी वही जो इमरान खान की स्पीचेस आपको सुनाऊं जो कराची में आकर कहते थे, कराची में आकर करते थे, वो कहते थे अनोखा लाडला उनको, फिर वो दूसरा, फिर उन्होंने उनको ये बोला कि ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट से वो बाहर जा सके अपनी बीमारी का बहाना करके। यानी कि उनका अपने लिए डिफरेंट था। आज नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? धचका तो है सियासी? नहीं, ये धचका हमें तो इससे कोई, आप तो उसको जेल में देखना चाहते थे, इनसे कोई ताल्लुक, वो भाई जेल से नहीं बरी किया गया है उनको, ये जमानत पे तो है ना, जमानत 6 हफ्ते तो है ना, लेकिन उनको मुल्क से, जो उनका वतीरा है कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, वो तो नहीं उनको दिया गया। जाती दुश्मनी है इनके साथ पीपल्स पार्टी, हमें सियासी दुश्मनी होनी चाहिए, हमें जाती दुश्मनी। आप जेल में क्यों देखना चाहती हैं? सियासी मुकाबला नहीं कर सकती ग्राउंड के ऊपर? नहीं, तो वो तो आए और वो अभी भी करेंगे। आशावासी साहब, आपने अपने दौर में कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया, केस भी नवाज शरीफ के दौर में बना था,
और हम जो है ना ऐसा में हम पीछे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा अब होने दे। और कह रही थी कि आपस में एक दूसरे के लिए क्या क्या कहता था, जैसे मैंने इनसे सवाल किया था आप एमक्यूएम के लिए क्या कहते थे, परवेज इलाही के लिए क्या कहते थे, डाकू कहते थे, सब कुछ कहते थे, शेख रशीद के लिए खुद क्या कहते थे टीवी के ऊपर, खान साहब आज क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहली बात तो ये कि अपोजिशन का काम ही यही है और इस वक्त अपोजिशन एक पेज के ऊपर है। अगर अपोजिशन अवामी हुकूक के लिए सड़कों पर आ गई, पंजाब हुकूमत के अंदर आप देख लीजिए सिर्फ चंद सीटों का फ़र्क है, अगर वो एक पेज पर आ गई जैसा कि मुत्तहिदा है वो, अगर वो आ जाती है तो कब किसका तख्ता पलट जाएगा ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पीटीआई की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि पीटीआई के अंदर नज़रियाती लोग नहीं हैं। जितनी भी सियासी पार्टियों का लेफ्ट ओवर था जो सिर्फ मफाद परस्त लोग थे वो शिफ्ट ओवर हो गए और एक जगह सब जमा हो गए। अब ना हुकूमत अवाम के मसाइल की तरफ जा रही है, ना इक्तसादी मसाइल की तरफ जा रही है, ना माशी मसाइल की तरफ जा रही है, ना तिजारती कोई डेवलपमेंट हो रही। आप मुझे बताएं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक कोलैप्स हुआ हुआ है, क्या हुकूमतें और मुल्क इस तरीके से चलते हैं? और दूसरी बात इन्होंने बड़ी अहम कही कि नवाज शरीफों आपने क्यों नहीं रिफॉर्म्स लाए अपने दौर में। नवाज शरीफ देखिए एक मुझे एक बात बता दीजिए, नवाज शरीफ जो कुछ भी उन्होंने किया है वो काट रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात साबित होती है तो देखें जो लोग शहादतों से नहीं डरे ना वो जेलों से और एहतसाब से और केसेस से क्या डरेंगे। जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये डराने और धमकाने में लगी हुई अपोजिशन को। क्यों वो अपोजिशन से क्यों डरें? अपोजिशन तो देखिए जितनी मुत्तहिद होगी जितनी पावरफुल होगी हुकूमत उतना स्ट्रांगली जो है ना काम कर सकती है, तो ये उस चीज़ को अवेल क्यों नहीं कर रहे, उस चीज़ से क्यों डर रहे हैं? और दूसरी बात कहने के खान साहब की अभी भी पॉपुलैरिटी है, करिश्मा है अवाम के अंदर। मैं आपको देखें यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, खान साहब की पॉपुलैरिटी हरगिज़ भी नहीं है। खान साहब ने नौजवान नस्ल को जिस तरीके से ट्रैप किया, क्योंकि वही उनके पास एक हथियार था कि एक फ्रेश ब्लड को नौजवान नस्ल को जो जज्बाती है उसको वो ट्रैप करते अपनी करिश्मा से, वो उन्होंने किया। आज अवाम भुगत रही है, आज अवाम फेस कर रही है कि वो जिस तरीके से मसाइल में गिरे हुए, डॉलर महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, वो जो जो है नौकरियों की बातें थी, वो जो 50 लाख घरों की बातें थी, वो सारी चीज़ें कहाँ गईं? क्या खान साहब को या खान साहब के अहदेदारान को, वजीर को, वुजरा को नहीं मालूम था कि मुल्क किस दहाने पे खड़ा हुआ है या मुल्क किस ऐसी जगह के ऊपर लाकर जो है ना खड़ा हो चुका है? और अब जिस तरीके से जो पहले ये कहते थे कि जी हम कर्जे नहीं लेंगे, हम फांसी में अपने आप को दे दूंगा, मैं खुदकुशी करना बेहतर समझता हूँ, आज वही कशकोल लेके सब जगह फिरते फिर रहे हैं। और बिलावल साहब ने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा तो इनको लग पता जाएगा। बिल्कुल यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर अपोजिशन एक पेज पर आ गई तो फिर इनको पता चलेगा कि पांसा कैसे पलटता है, हुकूमत कैसे चलती है और किस तरीके से चला के दिखा दें। अगर जो है ना बिलावल भुट्टो साहब जो है ना मार्च के लिए निकल के वाकई हकीकतन सड़कों पर आ गए। मैडम मजबूत अपोजिशन कमजोर गवर्नमेंट, आप इनके साथ पार्लियामेंट में मुकाबला नहीं कर सकेंगे, रोडों पे किस तरह कर सकेंगे? देखिए पार्लियामेंट के ऊपर अगर ये हमारे साथ एक पेज पे नहीं चलेंगे तो नुकसान तो खैर इन्हीं का अपना होगा, क्योंकि हमने तो बहरहाल अपनी हुकूमत को चलाना है और हमारी हुकूमत जो है दिन ब दिन मजबूत हो रही है। हमारे आप देखें हमारे सरमायाकारी भी शुरू हो गई है दुनिया से, आप इस 23 मार्च ही को देख लीजिए, इस स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ी है आपने कल वाली, आप इस वक्त 23 मार्च को देख लीजिए इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है कितना बढ़ा है, देखिए जीडीपी ग्रोथ कितना है, देखिए आप इस मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूँ आपको, हमारे स्टेट बैंक की रिपोर्ट है मेरी नहीं है, आप उस देखें वो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट फंड के 24 बिलियन तो यकीन करती हैं ना, 24 बिलियन जो हमने रिलीज कर दिए हैं वो सीपीएक के पैसे हैं, आपने बिला वजह एमएनएस को दे दिए, उसके ऊपर कोर्ट में गए हुए एमएनए एक आपके ऊपर तनकीद हो रही है, तो अभी पैसे नहीं आए डेवलपमेंट के 24 अरब रुपए आपने रिलीज किए, आपने एमएनएस को दिए, कोर्ट में गए, कोर्ट के अंदर फैसला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उसके चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सियासी मसला क्यों हमारे पास लेके आते हैं, आप पार्लियामेंट में अंदर करें, लेकिन उन्होंने टेकअप किया है। तो देखें इस वक्त अगर फंड भी दिया जा रहा है तो वो किसी चीज़ के लिए दिया जा रहा है ना, अगर वो उनके पास भी आता है फंड तो वो किस कहाँ लगाएंगे, वो फंड्स जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगेगा और प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि हमने क्या नौजवानों के लिए नहीं किया, नौजवानों के लिए भी पूरी स्कीम्स बन रही हैं इस वक्त पॉवर्टी एलिविएशन पे, उस पर भी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हमने अपना सेहत का कार्ड
पार्ट जो है वो उसका इजरा कर दिया है। कह रही आवाम का एतमाद तो क्यों नहीं ये है? देखे टूट ये क्यों रहा है? जो ये एक फेज टाइम लगेगा, फेजेस में होता है ना। पहली फेज शुरू हो चुकी है। पहली फेज यही थी कि हमने जो थे वो मुख्तलिफ अपनी एक बिल्डिंग, पहले एक बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी फाउंडेशंस बनती है ना। फाउंडेशन ही अगर आपकी वीक होगी, जब आपका 480 गर्दिशी कर्जा था, अब आपको आप एक स्टेबल उस पे लेके आए हैं, आपने खान साहब कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं था इतने मसाइल हैं। आपने कहा गर्दिशी कर्जे, आपके मिनिस्टर ने असद उमर ने कहा ये आवाम की जेबों से भरेंगे, आवाम चीखें आवाम की निकलेंगी, अभी तो महंगाई होनी है। ब्रेक के बाद जवाब लेता हूँ इसका ना, ब्रेक का टाइम, ब्रेक का बाद। Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन से मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब कॉलमनिस्ट हैं, एक मशहूर बिजनेसमैन हैं और बिजनेस कम्युनिटी के अंदर उनका एक बड़ा नाम है और सियासी सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। मैं वेलकम करता हूं आपको मिर्ज़ा साहब। माय प्लेजर सर। आज 6 हफ्तों की जमानत मिली है और पार्टी ने बड़ी उस पर खुशी का इजहार किया है, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ वही कहती है कि ये जो जेल में जाएंगे जो है ना, चोर डाकू बदमाश सब इनको हम जेल में, कुछ और लोगों की भी बारी आने वाली है। सियासत इस तरफ चली गई है, आजकल पर्सनल हो गई है, सियासत सियासत नहीं रही। मिर्जा साहब देखिए, इम्तियाज साहब सबसे पहले तो ये हमारे लिए, मुस्लिम लीग की कारकुनों के लिए, मुस्लिम लीगियों के लिए एक आज खुशी का दिन है, क्योंकि काफी दिनों से, हेलो आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। सर आ रही साइड पे लगा सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, मेरा ये है, सबसे पहला तो आज यकीनन जी बड़ा खुशी का दिन है मुस्लिम लीग के कारकुनों के लिए कि आज उनको ये रिलीफ मिला। और देखिए ये रिलीफ जो है ये सबका हक है, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि मियां साहब की जो बीमारी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और उसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं था। अब 6 हफ्ते जो मिले हैं इसके अंदर मियां साहब अपने जो स्पेशलिस्ट थे जो उनका इलाज पहले करते थे उनसे कंसल्ट कर लेंगे, और ये एक अच्छी चीज है जो हुई है, एक पॉजिटिव चीज है। और ये चीज जो है हमें अदालत ने इसको हमको रिलीफ इस चीज का प्रोवाइड किया है। फिर ये कहना कि हम बाहर नहीं जाने देंगे, देखिए बाहर जाने की कभी बात मियां साहब ने कभी की नहीं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर से तो वो खुद पाकिस्तान में अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए थे। जिस आदमी को बाहर जाना होगा वो बाहर से पाकिस्तान यहाँ पे कभी वो खुद नहीं आएगा। अब देखिए हो ये रहा है कि आप देख रहे हैं कि हमेशा पीटीआई के जितने भी ये रहनुमा हैं ये पहले से बतला देते हैं कि जी अब अरेस्ट होने वाली है, अब लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि उनको तमाम चीजों की खबर होती है। और उसके बाद जो है वो आपने देखा है कि गिरफ्तारियां भी होती हैं और केसेस भी बनते हैं। देखिए अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं हैं, हम तो जिस फेवर में है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर विक्टिमाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग जो हम हमेशा कहते हैं। फिर इमरान खान साहब हर जगह और उनके वजरा ये कहते फिरते हैं कि एनआरओ मांगा जा रहा है, एनआरओ मांगा जा रहा है। अभी तक जब उनसे हमने ये पूछा है कि जी एनआरओ कौन आपसे मांग रहा है, उस आदमी का नाम बतलाएं, तो वो नाम नहीं बतलाते। एनआरओ अगर किसी को मिला है तो वो हलीमा खान जो है उनको एनआरओ आपने दिया है। तो एक अच्छी खबर है आज हमारे लिए, अच्छी पॉजिटिव चीज है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि कल से जब वो जाएंगे तो स्पेशलिस्ट को वो लोग जो उनका इलाज पहले कर रहे थे दिखाएंगे तो उनकी इंशाल्लाह तबीयत में बेहतरी आएगी। सर दो चीजें, सबसे पहले जिस तरह मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ट्रेन मार्च कर रही है, आप कब निकलेंगे एक बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आपके वकील से, जब चीफ जस्टिस ने बात किया कि मियां नवाज शरीफ को जहनी दबाव है, और तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि मियां साहब को बीमारी नहीं है जहनी दबाव है, क्या कहेंगे? देखिए मैं 2 बार मियां साहब से जेल में मिलके आया हूं, देखिए, और मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है। आपको शायद याद होगा कि एक बार उनका
हार्ट का भी ऑपरेशन वगैरह हुआ था, स्टंट डले थे और वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज थी और बहुत ही स्पेशल डॉक्टर थे जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया था। मियां साहब बड़े माशाल्लाह मजबूत आदमी हैं और वो फेस करना जानते हैं, और अगर वो मजबूत नहीं होते तो कभी भी वो बरतानिया से पाकिस्तान नहीं आके अपनी गिरफ्तारी देते। तो यानी दबाव उस आदमी को होता है जिसने गलत काम किए हों। अभी तक मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इम्तियाज साहब, क्या चीज जो है आपने मतलब कोई सबूत दिया हो, कोई चीज सामने आई हो? इल्जाम लगते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पे भी जो इल्जाम लगे थे बाद में हाई कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं जी कोई सबूत नहीं मिले, तो सबूत तो अभी तक कोई नहीं मिले ना। मतलब जब सबूत मिले तो फिर ये कहते हुए तमाम चीजें अच्छे लगेंगे, उनके ऊपर जो है वो जहनी जो है वो दबाव है। ठीक है मैडम, आप क्या कहेंगी? कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई मिर्जा साहब ने कहा है, आप क्या कहेंगी? किस चीज की? आप पहले तो ये डिफाइन करें ना, किस चीज की इंतकामी कार्रवाई? नैब के पीछे आप हैं, ठीक है? नैब तो, नैब के तो इनके जो बने हुए थे ये केसेस, अभी तो नहीं केसेस बने, ये केसेस तो जो हैं वो पीछे से उनको तो आगे मजीद आगे लाया गया है, तो ये केसेस तो इनके खिलाफ पहले से बने हुए थे। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम इंतकाम ले रहे हैं? हम तो अपना अपनी हुकूमत चलाने को कह रहे हैं, और हमने तो नैब को कहीं से भी ये नहीं कहा कि आप, बल्कि बार बार इमरान खान साहब और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस चीज़ की तरदीद की है कि हम उनके पीछे नहीं हैं। वो एक जो हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट इदारे हैं, उनको चलने दें जैसे वो चलना चाहते हैं, हम उसके ऊपर, हमारा इस पर कोई जो है वो अधिकार नहीं है। मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या कहेंगी? आप भी ट्रेन मार्च कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, खामोशी है नून लीग की तरफ से, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आज रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को, 6 महीने का जमानत हुई है जो है, एक ये, दूसरी बात ECL से नाम जो निकाला गया है शहबाज शरीफ, उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाएगी तहरीक इंसाफ। आपको क्या लग रहा है कि रिलीफ मिल रहा है नून लीग को जो उनका हक था? देखिए, जहाँ तक रही बात केसेस लड़ने की या केसेस को फेस करने की, तो नून लीग ने केसेस को फेस किया है और कर रहे हैं, इससे पहले में भी, माजी में भी इसी तरीके से हुआ। अभी जैसे इश्तियाक साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी बेटी को खुद चलकर लेकर यहाँ पर आए, अगर केसेस से भागना होता तो हरगिज़ भी वो पाकिस्तान वापस नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात जहाँ तक रही रिलीफ की, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि हुकूमत चाहिए ही रही है जो ख़ुद ये शोर कर रही है NRO का। NRO तो कोई इनसे मांग ही नहीं रहा है, NRO तो ये खुद आवाज़ें लगा लगा के पुकार पुकार के कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो जाता है कि NRO हमसे ले लो, क्योंकि ये सिर्फ मेज़ के ऊपर लेकर आना चाहते हैं ताकि NRO दिया जाए और अपनी ये जेबें भर सकें। तो ये तो खैर इनकी हुकूमत की गलत तर्ज़ अमली है, ऐसा मेरा ख्याल से होना बहुत नामुमकिन तरीन बात है। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक रही बात, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, वो केसेस से और जेलों से हरगिज़ नहीं डरती। मिर्जा साहब, आप कब एहतजाज करेंगे कोई हकूमत के खिलाफ? शहबाज शरीफ क्यों नहीं राजी होते कोई एहतजाज करे? असेंबली के अंदर एक्टिव, क्या आज भी आप एक दूसरे के साथ अपोजिशन नहीं है? असेंबली के अंदर तो है, बाहर नहीं है आप? अवाम के इशू पे कब साथ होंगे और बाहर निकलेंगे आप? देखिए, इस वक्त ये है कि हम नहीं, डेफिनेटली जी अपोजिशन के अंदर है, हम साथ देंगे अपोजिशन का। अभी इस वक्त ये है कि पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, हमें सिर्फ थोड़ा सा जो है वो ये है कि वेट एंड सी वाली सिचुएशन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक वक्त था, मैं आपको इस चीज आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि जब नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को इनको पकड़ा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, विक्टिमाइजेशन हो रही थी, ये मरियम नवाज ने भी कहा था, साद रफीक ने भी एक से ज्यादा बार ये कहा था, और खास तौर पे जरदारी साहब को मुखातिब करके कहा था कि सर देखिए, आज हमारे साथ जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये कल आप लोगों के साथ भी हो गई, अगर काश उस वक्त अगर हम लोग आपस के अंदर मिल लेते तो आज किसी भी पार्टी को ये मौका जो है नहीं मिलता, ये दिन जो है उसको देखना नहीं पड़ता। मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीजें जो है सही हो जाएंगी। मियां साहब इस वक्त हमारी, उनकी फैमिली की और उनके भाई की, मरियम की, सबकी तवज्जो जो है उनकी सेहत की तरफ है, क्योंकि देखिए उनको काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफी बीमारियां हैं उनको, और इंशाल्लाह देखिए 6 हफ्ते में कम से कम हमारा, देखिए 6 हफ्ते होते क्या हैं, 6 हफ्ते तो ऐसे ही निकल जाते हैं,
और 6 हफ्ते उन्होंने कोई इसलिए तो नहीं लिए है ना कि वो मरीन में जाके बैठ के बर्फबारी का नजारा करेंगे, नेचुरली वो अपने इलाज के लिए उन्होंने लिया है ना। और मुल्क से जाने की तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है। तो मेरा ख्याल से इसमें, और दूसरी जैसे मेरी बहन अभी कह रही थी कि नैब का, देखिए नैब अब इन्हीं का मतलब इदारा हो गया है, इनके मिनिस्टर्स को बुलाती हैं, उनको फाइलें दिखाई जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब नैब के चेयरमैन से मिलते हैं, वज़रा मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं। तो अब वो एक जो है इंडिपेंडेंट इदारा नहीं रहा है, अब वो पीटीआई का इदारा बन गया है जी नैब। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, पीटीआई का इदारा बन गया है, बड़ी बात की है इस शख्स साहब ने। पहले तो बात ये बताएं कि ये कहाँ से उनकी सोर्स है कि वो ये कह रहे हैं कि वो उनसे मुलाकातें होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात बीमारी की है, तो खान के अलावा उनको पूरी की पूरी नवाज़ शरीफ को एक पूरी उन्होंने बना के बोर्ड बना के दिया था, उनकी वहाँ पे टेस्ट हुए, सियासत कर रहे उनको, थे। उनको यहाँ तक इजाज़त थी कि आप जिस जगह, जिस पूरे मुल्क में जहाँ भी जाना चाहें वहाँ पे आपको दिखाया जा सकता है। आप अगर बाहर से किसी को बुलवाना चाहें, किसी डॉक्टर को, वो भी बुलवाया जा सकता है। पूरे उनके तकरीबन उनके टेस्ट हुए, आज भी अभी देखें ना, पूरे टेस्टों के बाद ही इस बात का जो है पता चला है ना कि उनको ज़रूरत है। तो इसलिए ये बात नहीं है, ये मुल्क आप इसके ऊपर हमारे अगेंस्ट नहीं बोल सकते, हम तो उनको पूरी अपनी तरफ क्या से वाकई इदारा बना हुआ है नए पीटीआई का? बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी ये बात कही हूँ और कहती रही हूँ कि हुकूमत का काम लेजिस्लेशन करना है, हुकूमत का काम डिक्टेशन देना नहीं है। नैब सिर्फ मनोअन पीटीआई के मौकिफ के ऊपर चल रही है, पीटीआई जो कह रही है जैसा कह रही है उसी तरीके से केसेस खोले जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए जो असातिज़ा जिन्होंने जो है खुदकुशियाँ की, और अभी भी जो है कलेक्टर कस्टम उसने खुदकुशी की, असद मुनीर ने की, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि ये इतना दबाव अगर नैब की तरफ से डाला जा रहा है, किस मतलब ये तो सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई है। नैब हरगिज़ भी एक आज़ाद इदारा अब नहीं। बड़ी मेहरबानी आपकी मैंने साहब, आपकी आशावासी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी सर, इतना करी दे, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल आवाज टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स।